सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई एम प्रिंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ग्रोथ के ऊपर अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ग्रो करें तो, मैग्नेटिज्म में ग्रो करें तो मतलब। तो गाइस, एक्सपेरिमेंट का आइडिया कुछ इस प्रकार है कि मैं 3 फ्लावर पॉट्स लूंगा, उनमें प्लांट्स ग्रो कराऊंगा और फर्स्ट पॉट में मैं पूरा फुल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराऊंगा, जिससे देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ग्रोथ पे, कि ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल प्लांट से या ग्रोथ कम हो जाता है। और सेकंड पॉट में मैं एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा पास कराऊंगा और देखूंगा कि क्या उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि कम हो रहा है। और थर्ड पॉट में मैं नॉर्मल प्लांट को ग्रो कराऊंगा और देखते हैं तीनों प्लांट्स को कंपेयर करते हैं कि किसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, किसका ग्रोथ सबसे कम है, और पता लगेगा क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिज्म का प्लांट के ऊपर। और नॉर्मल से हम कंपैरिजन करते रहेंगे कि क्या नॉर्मल तैसे उग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालने पे क्या हो रहा है और कम डालने पे क्या हो रहा है। तो गाइस, चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि कैसे प्लांट ग्रोथ बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, मैग्नेटिज्म में। चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, हम ले लिए 3 फ्लावर पॉट्स, देख सकते हो आप यहाँ पर, और ये बड़ा मैग्नेट जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। तो इससे बड़ा मैग्नेट है जिससे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, और ये बड़े 2 छोटे मैग्नेट। तो गाइस, इन फ्लावर पॉट्स में इन करते हैं इन मैग्नेट को अटैच और सीट को करते हैं सो, और देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट मैग्नेट इज अटैच्ड सक्सेसफुली, सेकंड। सो गाइस, मैंने दोनों मैग्नेट को अटैच कर दिया और इसके बाद मैंने सीट को करता हूँ सो। तो मैंने यहाँ पर सीट को पानी के अंदर फुला के रखा जिससे इसके न्यूट्रिशन सीड में आ जाए वाटर में। तो देख सकते हो यहाँ पर ये अपना सीड और ये अपना मैग्नेट। तो मैं सीट को करता हूँ सो इसके अंदर। तो गाइस देखो, सीट को करते हैं सो, देखो तो सीट कैसा ही है। देखो, पानी के अंदर रखने से जिससे थोड़े मोड़े कुछ डेवलपमेंट आई है सीट्स के अंदर, तो करते हैं सो इसके। इसमें मैंने नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है, इसमें नॉर्मल प्लांट लगाएंगे तो पता लगेगा क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ग्रो करें और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ग्रो करें तो नॉर्मल प्लांट। ये अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, नॉर्मल प्लांट उगाएंगे। ये वाइज करते हैं वेट और देखते हैं कितना समय लगता है इन प्लांट को बड़े होने में। गाइज, इन बीजों को बोए हुए हमें लगभग 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन के अंदर में आप देख सकते हो कि क्या क्या मेजर डेवलपमेंट आए इन पौधों में। तो जिसमें हम बड़ा मैग्नेट लिए थे जिसमें लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, उसमें देख सकते हो प्लांट ज़्यादा ग्रो किया है उसके कंपेरिजन टू जिसमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिए हैं। ये देखो, जिसमें 2 मैग्नेट है, और जो थर्ड फ्लावर पॉट लिए हैं जिसमें कोई मैग्नेट नहीं है, वो तो प्लांट ही नहीं हुआ है। ये देख सकते हो, गाइस देख सकते हो कि प्लांट ये उगा ही नहीं, अभी तक जमीन में से निकला ही नहीं है, परंतु जो दोनों प्लांट्स हैं वो देख सकते हो कैसे डेवलप हुए हैं, और सबसे ज़्यादा डेवलप बड़ा मैग्नेट वाला हुआ देख सकते हो। तो गाइस, और वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस नज़र आते हैं इन प्लांट्स में। सो यस गाइस, वी आर इन डे 4। इन डे 4 द मेजर चेंजेस बिटवीन द प्लांट ग्रोथ, यू हैव वॉच कैसे चेंजेस आए हैं। जो नॉर्मल प्लांट है उसका ग्रोथ अब होने लगा है, परंतु जो दोनों प्लांट है उनका ग्रोथ गति पकड़ लिया है, बहुत फास्टली हो रहा है देख सकते हो। इसमें लार्ज मैग्नेट लगाए हैं उसका तो बहुत फास्ट हो रहा है देन कंपेरिजन टू नॉर्मल, इसमें 2 मैग्नेट लगाए हैं, और जो नॉर्मल प्लांट लगाए हैं उसका तो बहुत स्लो है स्पीड इसके। तो गाइस, फ़र्क पड़ता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में प्लांट को ग्रो करें तो, वो आपके सामने प्रूफ है एक्सपेरिमेंट के तौर पर। और 6वां दिन देखते हैं और 8वां दिन देखते हैं कि क्या। तो गाइस, फाइनली 6वां दिन है जो कि हमारे नॉर्मल प्लांट के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसने धरती देखी है, दुनिया देखी है। देख सकते हो बहुत कमज़ोर है बेचारा, परंतु हमारे जो मैग्नेट वाले प्लांट हैं वो देख सकते हो ताड़ की तरह खड़े हुए हैं, और उनकी लीफ आने वाली है, जो नॉर्मल लीफ होती हैं प्लांट के वो देखो धीरे धीरे आ रही है। तो 8वां दिन और 10वां दिन का वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मेजर डेवलपमेंट आए थे इन प्लांट पे। सो गाइस, फाइनली वेट इज ओवर, आज हम 8वें दिन पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकती हो प्लांट के ग्रोथ के ऊपर क्या चेंजेस आए हैं। जो बड़ा मैग्नेट लिए हैं उसका जो लीफ का साइज है बहुत बड़ा सा है देन कंपेरिजन टू जो 2 स्मॉल मैग्नेट हमने लिए हैं,
उन दोनों का लीफ का कंपेरिजन आप कर सकते हो उस वीडियो में, देख सकते हो चेंजेस नज़र आ रहे हैं गाइस। ये देखो इसका जो लीफ का साइज है छोटा है, और नॉर्मल प्लांट का बात क्या कहना, क्योंकि इसका तो स्पीड ही स्लो है, उगा ही स्लो है, तो उसका उसी हिसाब से स्पीड रहेगा ना। तो आप देख सकते हो इसका भी लीफ आज आने लगा है, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस ये आठवां दिन का हमारा वो एनालिसिस है, प्लांट एनालिसिस, और दसवां दिन का वेट करते हैं और देखते हैं कि दसवां दिन का जो हमारा नॉर्मल प्लांट है उसका पूरा लीफ आज जाएगा कि। तो गाइस देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आए, अच्छी तरह से आप कंपेरिजन कर लीजिए लीफ का एक बारी। गाइस हम आ गए हैं दसवें दिन पर और देखते हैं कि दसवें दिन में क्या क्या चेंजेस आए हैं इन प्लांट की ग्रोथ पर। कुछ प्लांट ज़्यादा बड़े हुए हैं, कुछ प्लांट छोटे हुए हैं, सबको पता ही है। वीडियो के शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, जो लार्ज मैग्नेट है वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है, देन कंपैरिजन टू जो स्मॉल स्मॉल मैग्नेट लगाए हैं उसके कंपैरिजन में। और जो नॉर्मल प्लांट लगाए हैं वो तो आपको लोगों को पता ही है कि वो सबसे स्लो ग्रो कर रहा है। तो आपको दिखा देता हूँ दसवें दिन का क्या क्या एनालिसिस है, प्लांट एनालिसिस। तो ये देखो, तो गाइस ये देखो, ये बड़ा नॉर्मल हमारा नॉर्मल प्लांट कैसा होगा, इसका दूसरा लीव आने लगा, पहला लीव आ गया पूरा। और ये देखो हमारा जो लार्ज मैग्नेट है उसका तो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जो एक तो लीफ आ गया है पूरा, और दूसरा लीफ भी आ चुका है, और तीसरा लीफ भी आने का तैयारी है देखो। और ये पड़ा हमारा दो स्मॉल स्मॉल मैग्नेट लगा है, जिसमें कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता ना, उसका भी ग्रोथ हुआ है, इसका भी ग्रोथ हुआ है, मगर इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना लार्ज मैग्नेट का हुआ, ये वाले मैग्नेट का हुआ। तो गाइस आपने देख लिया कि क्या क्या एनालिसिस हुआ है, प्लांट एनालिसिस, कैसे प्लांट ग्रोथ किए हैं, ज़्यादा ग्रोथ किया है कोई, उससे कम ग्रोथ किया है, और जो नॉर्मल है वो तो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो चलिए जानते हैं साइंटिफिक रीज़न के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला प्लांट है, जो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए हैं, बड़ा मैग्नेट लिए हैं, उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रहा है देन कंपेरिजन टू जो स्मॉल स्मॉल दो मैग्नेट लिए, और नॉर्मल का तो आपको पता ही है कि कैसा होगा। चलिए जानते हैं साइंटिफिक रीज़न के बारे में कि क्या साइंटिफिक रीज़न है कि जो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लांट है वो जल्दी ग्रो कर जा रहा है। तो गाइस जैसे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो बड़ा बड़ा मैग्नेट लगाए हैं, वो सीधा प्रभाव नहीं डाल रहा है प्लांट के ऊपर, प्लांट ग्रोथ के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं डाल रहा है। वो जो हम पानी डाल रहे हैं प्लांट को बड़े होने के लिए, वो उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो उस पर कैसा प्रभाव डाल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो वाटर है H2O, दो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर दो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम वाटर को एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डालेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके पोल्स अलग अलग हो जाएंगे, और जिससे पोल्स अलग होने के से जो उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएंगे, वो अलग तरीके से बिहेव करने लग जाएगा, नॉर्मल की तरह नहीं करेगा, क्योंकि हम उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डालें, उसके बिहेवियर में ये चेंजेस आते हैं कि इवेपोरेट जल्दी जल्दी होने लग जाता है, इवेपोरेशन उसकी तेज हो जाती है, और जो उसकी न्यूट्रिशन डिजॉल्व करने की क्षमता है, शक्ति है जो उसकी, वो बढ़ जाती है। तो उसी कारण जब हम उसे प्लांट में डालते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो प्लांट होता है वो सोइल के मदद से और वाटर के मदद से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है अपने ग्रोथ के लिए। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला जो वाटर है उसके अंदर डालेंगे तो उसमें ज़्यादा डिजॉल्विबिलिटी होगी न्यूट्रिशन को डिजॉल्व करने के लिए, और जब ज़्यादा न्यूट्रिशन डिजॉल्व होगा उस वाटर में तो ऑब्वियसली जो प्लांट की ग्रोथ जल्दी होगी, वो जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन लेगा उस वाटर से। तो गाइस यही रीज़न है कि जो हम प्लांट है जो है लार्ज मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए हैं, जो लार्ज मैग्नेट लिए हैं, उसका ग्रोथ ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू जो दो स्मॉल स्मॉल मैग्नेट लिए हैं, और जो नॉर्मल प्लांट लगाए हैं उसका तो आपने हालत देखा ही कैसा। तो गाइस यही रीज़न था, और आपको अर्थ के बारे में बता देना चाहता हूँ। सो गाइस आपको अर्थ के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो क्या होगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हटा दें, अर्थ को विदाउट मैग्नेट मैग्नेट का बना दें, तो क्या उसके जो प्लांट है अर्थ पे, जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, खरीफ की फसलें जो गर्मी में और सर्दी में लगता है, गर्मी में लगता है धान और सर्दियों में लगता है गेहूँ, तो उनके ग्रोथ पे क्या चीज़ें हैं। तो गाइस इन प्लांट्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जो एक्सपेरिमेंट ये किए हैं उसके मुताबिक पता कर सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लार्ज मैग्नेट वाला प्लांट है वो जल्दी ग्रो किया है देन कंपेरिजन टू जो हम नॉर्मल प्लांट लगाए हैं विदाउट मैग्नेट, उसके कंपेरिजन में। तो गाइस यही प्रभाव पड़ेगा जो हम मैग्नेट
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ से हटा दें तो जो हम रवि और खरीफ की फसलें लगाते हैं गेहूं और चावल की, उसमें बहुत ही ज़्यादा समय का अंतर देखने को मिलेगा। जहां हम एक फसल को 3 से 4 महीने में काट लेते हैं, उनको उन फसलों को काटने में हमें 8-9 महीने लग जाएंगे, मतलब कि आधा साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब आधा साल से ज़्यादा लग जाएगा तो दोनों फसलें कैसे हो पाएंगी, तो बहुत ही गलत हो जाएगा। हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो उतने नहीं हो पाएंगे जो अभी जब इतने हैं, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। उस समय तो बहुत जो हमारे प्लांट 10 और 15 सालों में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो हो नहीं पाएंगे। तो यही इफेक्ट पड़ेगा गाइस। जब आपने इस वीडियो में देखा कि हमने सब चीज़ बताया है कैसे प्रभाव पड़ेगा धरती पे, कैसे प्लांट पे प्रभाव पड़ रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु ये जरूर कहूँगा कि किसी ना किसी दिन अपनी मेहनत जरूर आपको चैनल सब्सक्राइब करवा लूँगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और एक्साइटमेंट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत।